श्रीदेवी एंड बप्पी लहरी एंड जितेंद्र, ये जो कॉम्बिनेशन है, अ राइटर माय राइटर इंदिवर जी, हम लोग इतना काम किया बट नैनो में सपना बोलिए, ताकी ताकी बोलिए, सीधा आ जाइए, जब हम लोग बनाया था तोहफा, मिलन मौजों से मौजों का, बहुत मेरा फेवरेट गाना था। और श्री का जो सबसे बड़ी चीज क्या था, वो मकसद में राजेश खन्ना जी का साथ था, उनका साथ कॉम्बिनेशन था, जितेंद्र विद जया प्रदा जी। तो उस टाइम में एक डांस कंपटीशन हुआ था, जो स्नेक स्नेक का स्नेक डांस में जया जी भी थे, श्रीदेवी भी थे, तो वो दोनों में जो कंपटीशन हुआ उसमें हम लोग, मैं बहुत मेहनत किया, और उस टाइम में हमको फोन करके बोलती भी थी, दादा ऐसा रिदिम आपने बनाया जो हमको इतना, मैं खुश हो गया, जो राघवेंद्र जी डायरेक्टर थे और मकसद पिक्चर, नहीं सॉरी सॉरी के बापाइया, आई एम सॉरी, के बापाइया जी डायरेक्टर थे, और बोलता है इतना हम लोग को तकलीफ हुआ, लेकिन क्या है, जब श्री को इतना सिंपल लगती थी, जो चुपचाप का ऊपर गाना हुआ था, आप बोलिए जो लास्ट में नाकाबंदी, एक वेस्टर्न सॉन्ग उषा उत्थुप से मैंने गाना गवाया था, डिफरेंट स्टाइल, और उन्होंने भी डिफरेंट स्टाइल से पेश किया था। तो आई थिंक सो इट्स माय, इन माय करियर आई हैव डन जितना भी पिक्चर किया, लेकिन श्री का साथ मैं ऑलमोस्ट 25 फिल्म्स किया, लेकिन इज अनबिलीवेबल, शी वॉज, मैंने मैं क्या बोलूँ, शी वॉज सचमुच लेडी सुपरस्टार है।